ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿದ್ರಿ ಕರಕುಶಲ ಕಲಾವಿದ ಶಾರ್ ರಶೀದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ 5 ಬಾರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಸಲ ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಜೊತೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶಾರ್ ರಶೀದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾದ್ರಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ जो पद्मश्री प्रशस्ति पड़ी शाह रशीद अहमद खाद्री मतनाडसोण मोदी पवर टीवी कड़ा अभिनंदन सल्ता कल अपने फंक्शन हुआ है आप अवार्ड लेने के बाद कुछ बात बाहर चर्चा हो रहा है इस बात में आप क्या कहना चाहेंगे देखिए अवार्ड लेने के बाद हम पूरे अवार्डिस को एक हॉल में लेके चले गए मोदी से आप मोदी जी आपसे आके मिलेंगे बोले ठीक है बल्कि हम इंतज़ार करें वो आए आके सबसे मिलते गए मेरे पास रुकने के बाद में उनको रोक लिया मैं उनको बोला मेरे दिल की जो बात थी मैं वही बोला उनको कि मैं 5 साल तक मैं कांग्रेस पीरियड में मैं अप्लाई करते रहा मेरे को अवार्ड नहीं हुआ उसके बाद आपकी गवर्नमेंट आने के बाद मैं ये अप्लाई करना छोड़ दिया क्योंकि बीजेपी वाले मुसलमानों को पसंद नहीं करते मुसलमानों को कुछ नहीं देते मुसलमानों से नफरत करते हैं ये मेरे दिमाग में ये सोच थी ये सोच की वजह से मैं अप्लाई करना छोड़ दिया लेकिन 25 जनवरी को होम मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी फ़ोन करके बोले कि आपको पद्मश्री अवार्ड ये हुआ तो मेरी ये हालत थी सारा दिन मैं इमोशनल होकर आंसू बहाते रहा खुशी में तमाम सो नहीं सका हूँ उसके बाद मैं मोदी जी को वही बोला मैं मेरा ख्याल मेरी सोच को आप गलत करार दे के मेरे को अवार्ड के लिए चुन दिए तो फिर वो खिलखिला के हंस दिए वो अच्छा ठीक है ये अवार्ड के बाद आप क्या महसूस कर रहा है ये अवार्ड की मेरे को बहुत खुशी है क्योंकि ये सरप्राइज अवार्ड है मेरे को मालूम नहीं था कि मेरे को मिलने वाला है इसलिए मेरे को ये अवार्ड सरप्राइज अवार्ड है ये अवार्ड मेरे को नहीं मिला मगर बल्कि बीदर की सारी जनता को और बिदरी क्राफ्ट के लिए अवार्ड है ये क्योंकि आपने पहले बोल रहा था 5 बार रेगुलरली कांग्रेस गवर्नमेंट में मैं अप्लाई कर रहा था बोल के सो वोटे में कुछ भी स्वीकृति भी नहीं आ रहा था आपको कुछ भी रिप्लाई नहीं उनकी तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं मेरा काम था हर साल भेजने का काम था भेजते रहता था मैं जो काम में घुस जाता हूँ बिल्कुल घुस जाता हूँ उसको छोड़ता नहीं मेरे को उसका रिजल्ट मिलने तक छोड़ता नहीं मगर खर्चा इतना हो रहा था 5 बार करके मैं खामोश बैठ गया मैं आपने कुछ खर्चा नहीं किया कुछ मेहनत नहीं किया अभी विदाउट कुछ खर्चा मेहनत के बिना आपको एक सफलता मिला है अभी जी 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 क्या कहना चाहिए नहीं हर बार अप्लाई करता था हर बार अप्लाई हर बार अप्लाई करता था और होम मिनिस्ट्री में मेरा अपना रिकॉर्ड रखे हुआ है मेरे प्रोफाइल रखे हुए हैं अच्छा। उसमें से चुन के देख के मेरे को अवार्ड के लिए चुने गए वही हुआ जी इसके लिए मैं मोदी जी का अमित शाह जी का और इस ये अवार्ड में जिसका भी रोल है मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ इदिष्टु रशीद अवर अभिप्राय नवदेहलियिंद पवन जोते संतोष सल्ली पवर टीवी